हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों ये मेरे सामने दोस्तों ये ओनिडा का 24 इंच का एलईडी टीवी आया दोस्तों। दोस्तों उसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? दोस्तों उसमें दोस्तों सिर्फ आवाज़ आ रही है दोस्तों, नो पिक्चर का फॉल्ट है। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों मतलब पिक्चर नहीं आ रही है, बाकी सब एकदम ओके है। तो चलिए दोस्तों उसको हम खोलते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने जो एलईडी टीवी को हमने खोल लिया है दोस्तों, और दोस्तों इसको हम चेक करते हैं हमें क्या समस्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये है दोस्तों, हमारी ये मदरबोर्ड है, ये है दोस्तों हमारी डिस्प्ले है, ये दोस्तों हमारी ये स्पीकर है। अब दोस्तों इसमें जो दोस्तों बैकलाइट का जो पिक्चर है दोस्तों नहीं आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ये लग रहा है दोस्तों, ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है बैकलाइट का। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पहले जो अपनी दूसरी बैकलाइट है वो लगा के देखते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो सही है या ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास कुछ एलईडी स्ट्रिप लाइट पड़ी हैं, उसको चेक करता हूँ आपके सामने। तो देखिए दोस्तों मेरे पास ये बहुत सारी एलईडी जो इसकी बैकलाइट है वो पड़ी हुई हैं। ये दोस्तों ये 24 इंची की है दोस्तों, और ये जो ये 18 इंची टीवी आती है उनके लिए। तो दोस्तों जो हमारी जो ये डिस्प्ले है दोस्तों, ये बहुत ही पतली वाली है। तो दोस्तों इसमें इन्हें दोस्तों ये वाली माइक्रो बैकलाइट दोस्तों इसमें यूज़ होती हैं, ये वाली दोस्तों। दोस्तों जो ये ड्राइव दोस्तों जो ये वाला ड्राइवर है दोस्तों, इसका ये बहुत कम मतलब ये आते हैं आजकल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको वो चेक करके बताता हूँ। मैं दोस्तों वहाँ से इसको ये अलग कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको यहाँ से अलग कर दिया है। अब दोस्तों जो हमारी जो बैकलाइट दोस्तों, इसमें हम इसको लगाते हैं दूसरी बार। तो देखिए दोस्तों, ये रहा लगाता हूँ मैं, ये रहा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लगा दिया। अब मैं दोस्तों इसकी जो तार है उसको लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ये बैकलाइट दोस्तों ये ग्लो कर गई है। ओके दोस्तों, और जो ये वाली बैकलाइट दोस्तों ये ग्लो नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों जो इसकी ये बैकलाइट दोस्तों, ये बहुत ही स्लो डाउन चल रही है, उसको शायद नज़र नहीं धीरे नज़र आया दोस्तों, बहुत स्लो डाउन चल रही है। तो दोस्तों अब हम दूसरी लगा देखते हैं क्या उसमें भी फॉल्ट, कहीं हमारी बैकलाइट तो ख़राब नहीं है वाली। तो चलिए दोस्तों दूसरी लगाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ये लगा दी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी दोस्तों जो ये वाली बैकलाइट दोस्तों, ये भी हमारी स्लो चल रही है। तो दोस्तों अब हमें दोस्तों हमारे समझ में आ रहा है दोस्तों, हमारा जो फॉल्ट है वो कहेगा। तो हम दोस्तों जो ये ड्राइवर है, ये वाला ड्राइवर चेंज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी जगह हम जो हमारा ये यूनिवर्सल ड्राइवर बोर्ड है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और ये हम ये लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लगाता हूँ आपके सामने, देखते हैं हमारी जो इतनी बढ़िया बिस्के बैकलाइट आती है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा जो ये इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम अपनी से लगा के तार लगा के देखते हैं ये वाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों कितनी रोशनी है। तो ये दोस्तों हम अब समझ सकते हैं कि जो हमारे दोस्तों ये जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, जो हमारा ये इसका जो पुराना वाला ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, ये वाला, ये दोस्तों हमारी ये ख़राब हो चुका है। तो ओके दोस्तों, तो हम दोस्तों इसको हम लगाएँगे, और इसकी ये वाली जो बैकलाइट है इसको भी हम चेक करते हैं। इसको भी एक ऐसे कनेक्शन लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसकी जो बैकलाइट है दोस्तों वो आ चुकी है। ओके दोस्तों, हम इस डिस्क की डिस्प्ले की हम वायर लगाएंगे, जैसे हम एलवीडी केबल कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने तार लगा दी है, हम चेक करेंगे हमारे यहाँ डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है। तो आपने दोस्तों देखा है, हमने अपना टीवी को दोस्तों कितने जल्दी ठीक किया मिनटों में दोस्तों। तो यही दोस्तों हमने सिर्फ ड्राइवर बोर्ड चेंज करके। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरे कृष्ण इलेक्ट्रॉनिक।